जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। सभी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स का एक बार फिर से स्वागत है आपके ही प्यारे यूट्यूब चैनल क्रोशिया व्लॉग्स में। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि टीआरसी कार्ड के लिए आपको अपनी होम कंट्री से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, टीआरसी कार्ड कैसे अप्लाई होता है क्रोशिया में, और टीआरसी कार्ड के लिए कितना यूरो खर्चा आता है, और टीआरसी कार्ड की वैलिडिटी कितनी होती है जब आपका टीआरसी कार्ड आपका अप्लाई हो जाता है क्रोशिया जाने के बाद। तो जिन भी मित्रों का क्रोशिया का वीजा लगता है फ्रेंड्स, तो आप जब अपनी होम कंट्री से फ्लाई करते हैं तो आपको अपने साथ अपने वर्क परमिट की कम से कम 2 प्रिंट आउट लेके जाइए, कॉन्ट्रैक्ट लेटर का 2 प्रिंट आउट लेके जाइए, और आपका अगर अकोमोडेशन लेटर है उसके भी 2 प्रिंट आउट आपको इंडिया से लेके जाना है। साथ ही आपको 3x3.5 सेंटीमीटर के 2 फोटोग्राफ्स आपको लेके जाना है इंडिया से या जहां से भी आप अपनी होम कंट्री से जा रहे हैं। तो टीआरसी कार्ड के लिए 3x3.5 mm का फोटो साइज का जो वेट किया है तो ये फोटोग्राफ्स आपको लेके जाना है। और सबसे महत्वपूर्ण, आपको जो आपकी पीसीसी है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट विथ अपोस्टाइल, या जिस भी आप कंट्री से हैं तो वहां से आपकी पीसीसी अपोस्टाइल लेके जाना है और ओरिजिनल कॉपी अपने साथ लेकर जाना है। फ्रेंड्स, इस बात को आप ध्यान रखिए, भले वो एक्सपायर हो चुकी हो तो भी चलती है आपके टीआरसी कार्ड के लिए, तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है जब आप अपनी होम कंट्री से फ्लाई कर रहे हैं, क्रोशिया जा रहे हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स अपने साथ कैरी करिएगा। और जो आपकी वीजा कॉपी लगा है जिसमें आपका स्टिकर वीजा लगा है उसके कम से कम 2 प्रिंट आउट आप लेकर जाइए जब आप क्रोशिया जा रहे हैं। फ्रेंड्स, तो जैसे ही आप क्रोशिया जाते हैं फ्रेंड्स, तो आपके एम्प्लॉयर जो रूल है वहां का क्रोशिया का, आपके एम्प्लॉयर आपको विद इन 48 घंटे के अंदर उस पुलिस स्टेशन ले जाएंगे जहां से आपका वर्क परमिट इशू हुआ होगा। ध्यान रखिएगा, जैसे अगर आप जागरीब में लैंडिंग करते हैं और आपका अगर जदर से या स्प्लिट से, ओसी जैक से या आउट ऑफ जागरीब से कहीं से भी परमिट आपका अप्लाई होगा तो उस पुलिस स्टेशन लेके जाया जाता है आपके टीआरसी कार्ड को अप्लाई करने के लिए। तो जो इसका प्रोसेस होता है, जैसे ही आप क्रोशिया रीच करेंगे आपके एम्प्लॉयर आपको 48 आवर्स के अंदर आपका OIB नंबर जनरेट करवाने के लिए, आपके बायोमेट्रिक्स करवाने के लिए उस पुलिस स्टेशन ले जाते हैं जहां से आपका वर्क परमिट अप्लाई हुआ हो। तो जब आप पुलिस स्टेशन जाते हैं फ्रेंड्स, तो आपको अपने वर्क परमिट की कॉपी, पीसीसी की ओरिजिनल कॉपी, आपके अकोमोडेशन की कॉपी, आपके कॉन्ट्रैक्ट लेटर की कॉपी और 2 फोटोग्राफ्स अपने साथ रखना है फ्रेंड्स। और एक फॉर्म होता है 16A जो कि आपके एम्प्लॉयर आपको फिलअप करके दे देते हैं। और जब आप पुलिस स्टेशन जाएंगे तो वहां पर टोकन सिस्टम होता है। पहली बार तो आपके एम्प्लॉयर आपके साथ चलते हैं क्योंकि वो आपको न तो एरिया पता होता है कि आपको कहाँ जाना होता है, तो आपके साथ आपके एम्प्लॉयर चलते हैं। उसके बाद जब आप पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको, जब आप इंटर होंगे, आपका जब बारी आएगी आपके टोकन की, तब आपको इंटर होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे जो मैंने आपको बताए हैं फ्रेंड्स। तो उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, उसके बाद आपको बायोमेट्रिक के काउंटर पे भेजा जाएगा। बायोमेट्रिक होने के बाद आपको एक वाइट कार्ड इशू होता है वहां पर क्रोशिया में, जिसको कहते हैं OIB नंबर। यही OIB नंबर आपकी पहचान होती है। जैसे हम इंडिया की बात करें तो हमारा आधार कार्ड ही हमारी पहचान है, तो वो नेशनल ID होती है। OIB नंबर एक वाइट कार्ड मिलता है। जब आपकी सब फॉर्मेलिटीज, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाते हैं, फिलअप हो जाते हैं और आपका बायोमेट्रिक हो जाता है पुलिस स्टेशन में, तो आपको एक वाइट कार्ड प्राप्त होगा फ्रेंड्स जब आप क्रोशिया रीच करेंगे। तो इसके बाद इसी OIB नंबर पर आपका जो आपको बैंक अकाउंट ओपन करना हो, आपकी सिम कार्ड लेना हो, प्रीपेड वाली, पोस्ट पेड वाली, तो ये कार्ड दिखाकर आप अपने सिम कार्ड ले सकते हैं और आपका बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या जो भी आपको एक्टिविटीज करनी होगी आपके इसी OIB नंबर, जब आपका टीआरसी कार्ड आएगा तो टीआरसी कार्ड पर भी ये OIB नंबर यानी आपका पहचान पत्र जो नंबर है, आपका आइडेंटिफिकेशन आपका क्रोशिया का, वो आपको मिल जाता है वाइट कार्ड। तो अब बात आएगी कि आपको टीआरसी कार्ड के लिए कितना यूरो का खर्चा आता है। तो इसका 30 यूरो जो खर्चा है, तो कई बार आपके एम्प्लॉयर भरते हैं, कई बार कुछ
एम्प्लॉयज से भी लिया जा रहा है ऐसा सुना गया है। तो ये जो होता है 30 यूरो इसका खर्चा आता है टीआरसी कार्ड का प्रोसेस करने में फ्रेंड्स। और इसके दो प्रोसेस होते हैं, अगर आपको तत्काल चाहिए इमीडिएटली यानी 3 दिन के अंदर आपका टीआरसी कार्ड चाहिए तो उसका 35 यूरो एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है पुलिस स्टेशन में। और अगर आपको नॉर्मल प्रोसेस से आपकी टीआरसी कार्ड चाहिए तो वो 15 से 20 वर्किंग डे में आपको मिल जाती है। तो जैसे ही आपको आपका OIB नंबर मिलता है, वाइट कार्ड मिलता है, तो अगर जब आपका अगर आपने तत्काल प्रोसेस में लिया है तो आपको 3 दिन के बाद पुलिस स्टेशन जाना है अपना टीआरसी कार्ड कलेक्ट करने के लिए। और अगर आपने नॉर्मल प्रोसेस में लिया है तो 15 से 20 दिन के बाद आपको टीआरसी कार्ड मिलता है वर्किंग डे में, तब भी आपको अपना OIB नंबर वाला वाइट कार्ड अपने साथ कैरी करना है और टीआरसी कार्ड कलेक्ट करने केवल आप ही जा सकते हैं, आपका एम्प्लॉयर नहीं जा पाएगा या आपका कोई फ्रेंड नहीं जा पाएगा। जिसके नाम पर टीआरसी कार्ड इशू हुआ है केवल वही पर्सन जाता है टीआरसी कार्ड अप्लाई कलेक्ट करने के लिए। तो अब बात आएगी टीआरसी कार्ड की वैलिडिटी कितनी होती है। तो जब आपको आपका वर्क परमिट मिलता है फ्रेंड्स, तो आपको वर्क परमिट में देखिए आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो जितनी आपकी वैलिडिटी होगी आपके वर्क परमिट की बची हुई उतने ही टाइम का आपका टीआरसी कार्ड बनाया जाएगा, भले वो सीजनल हो या 1 ईयर का हो। तो जैसे कि आपने अपनी होम कंट्री में फाइल का सबमिशन किया और आपका वर्क परमिट मान लीजिए जितने दिन बाद आपका डिसीजन आया, अगर उसमें 9 मंथ की वैलिडिटी बाकी है तो 9 मंथ की टीआरसी कार्ड बनेगा। अगर जैसे कुछ हमारे फ्रेंड्स सीजनल वर्क परमिट में जाते हैं तो अगर उनके 90 दिन की वैलिडिटी बची है तो 90 दिन की टीआरसी कार्ड बनाकर दी जाती है क्रोशा के अंदर। तो ये टीआरसी कार्ड का प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। जब भी आप अपनी होम कंट्री से जाएं तो ये डॉक्यूमेंट्स अपने साथ कैरी करिएगा और यही प्रोसेस होता है क्रोशिया में टीआरसी कार्ड अप्लाई करने का। तो यही था आज के इस वीडियो का मेरा इन्फॉर्मेशन। तो करता हूँ आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त। जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद मित्रों।